नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी धरना प्रदर्शन की हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एसएसपी कार्यालय पर भाकियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। एसएसपी कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन में हड़दंग भी किया है। ट्रैक्टर स्टंटबाजी लाठी डंडों से हड़दंग हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर इस वक्त मौजूद हैं। किसानों के कई मुद्दों पर यह धरना प्रदर्शन किया है। एसएसपी ऑफिस पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और अलग अलग जगह से किसान पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी मांग रख रहे हैं। हालांकि अभी मांग क्या है किसानों की ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारी संख्या में भीड़ हो, इससे पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली है और एहतियात के तौर पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैक्टरों के शहरों के बीच में आने के मद्देनजर। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। एसएसपी कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय पर बीक्यू का धरना प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात है। किसानों ने पिछले कई वक्त से नाराजगी जताई थी। मंच से ही किसानों को कहा गया कि गन्ना अधिकारी किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कपड़े उतारकर उल्टा लटकाने की चेतावनी भी मंच से दी गई। तो इस तरीके के बयानबाजियां भी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि गन्ना का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ है। 3 जब बिल आए थे कृषि कानून केंद्र सरकार के, तो उस वक्त भी लंबा धरना प्रदर्शन चला था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब देखना होगा कि उसके बाद योगी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और किसान कब तक धरना जारी रखते हैं। सिरो उधर जाए तुम तो अभी